जेल प्रशासन ने किया नजरअंदाज, आरपीएफ ग्राउंड में युवा चंदे से कर रहे हैं रनिंग ट्रैक तैयार, जनप्रतिनिधि मौन। बीना नगर के हजारों युवा लड़के लड़कियां पुलिस और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु बीना में कोई भी खेल मैदान और रनिंग ट्रैक नहीं होने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां ऊबर खाबड़ मैदान में दौड़ने से उन्हें चोट लग जाती है, तो वहीं रोड पर दौड़ने से दुर्घटना का डर भी बना रहता है। रेल प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायतों के बावजूद भी ग्राउंड को तैयार नहीं किया गया, जिसके चलते अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवाओं ने चंदा इकट्ठा कर और श्रमदान कर बीना के आरपीएफ रेलवे ग्राउंड में रनिंग ट्रैक बनाने का निर्णय लिया। आप देख सकते हैं कि फिजिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लड़के लड़कियां आरपीएफ ग्राउंड पहुंचकर श्रमदान कर रनिंग ट्रैक बना रहे हैं। शासन प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि तमाशबीन बने हुए हैं। वहीं बीना विधायक महेश राय का कहना है कि हाउसिंग बोर्ड में स्टेडियम का काम निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण जल्द पूर्ण हो जाएगा। समर सिंह राजपूत, क्या है सर ये ट्रक पूरा खराब है, यहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं, बच्चे लोगों को क्या है ट्रक मतलब दौड़ने में बहुत सारे जो पैर में मूंच आ गई है, इस चक्कर में क्या है सरकार पैसे नहीं दे रही है, दीवाल नहीं बनवा रही है, तो हम लोगों ने सबने चंदा करके यहाँ सोचा ट्रैक्टर से अच्छा लेवल करके मुरम बिछा के, और गाय भैंसे भी आती हैं तो बहुत तकलीफ ज्यादा होती है। बीना मोर कोई ग्राउंड नहीं है क्या? बीना मोर कोई ग्राउंड है ही नहीं कहीं, एक ग्राउंड है, आपको पता होगा कोई ग्राउंड नहीं है बीना में, एक ही ग्राउंड ले लेगी ये भी, तो इसका भी कोई निर्माण नहीं है, आप देख सकते हो इधर चारों तरफ रेलवे ग्राउंड है, तो रेलवे को बनवाना चाहिए ना, लेकिन कुछ नहीं सुनता। अपने सिटी में कोई ग्राउंड नहीं है, सिटी में कोई भी ग्राउंड नहीं है, सिटी में क्या आसपास भी कहीं भी अभी ग्राउंड नहीं है कि अगर अपन कहीं जाए तो यहाँ पे रोज बहुत सारे बच्चे आते हैं। बहुत भैया, मेरा नाम शैलेंद्र श्रीवास्तव है और हम लोग ना एमपी पुलिस के फिजिकल के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ग्राउंड ना हम लोग का थोड़ा सा खराब था, तो उस वजह से हम लोग ने ज्ञापन भी दिया था एएन साहब को, अपने रेलवे में जो सबसे बड़े एएन साहब हैं उनको भी ज्ञापन दिया था और विधायक जी से ही बोला था, तो विधायक जी के द्वारा हम लोग को दो डंपर अभी मुरम डलवाई गई है और ट्रैक की खराब बहुत हालत खराब थी ट्रैक की, तो उस वजह से हम लोग ने थोड़ा थोड़ा मतलब अपने सहयोग करके और ट्रैक की मरम्मत करवाने के लिए खुद ही से सहयोग श्रमदान कर दिया है।